हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया, एकदम झकास। तो हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनका दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम कुसाई पे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम के सदस्य बनिए, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, आखिरकार वो दिन आज आ चुका है जिसको लेकर आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी। तो आज हम करने वाले हैं कैंपिंग। तो पहले आज का मौसम देखो, रोज़ाना की तरह यार क्या बढ़िया हो रखा है। ये देखो कोहरा लग रखा है। तो कल रात से ही जम के बारिश हो रही है गांव में और आज सुबह भी जम के बारिश हो रही थी भाई। तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। और कैंपिंग का जो हमारा पूरा सामान था पूरा पैक हो चुका है और यहाँ पर रहा हमारा कैंपिंग टेंट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जिस वक्त बारिश थोड़ी सी हल्की हो रखी है। दोस्तों कैंपिंग करने के लिए मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पे पास में गांव के सामने एक बढ़िया सी लोकेशन है, वहाँ पे आज कैंपिंग होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। एक बार आप लोग भी चेक करिए, ये रही। बस अब मेरे को एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे मैं अपना टेंट लगा सकूं, क्योंकि इधर साइड काफ़ी ज़्यादा झाड़ियां हो रखी है। और साथ ही साथ पहले आज का मौसम भी चेक करो यार, क्या बढ़िया हो रखा है भाई साहब। बारिश पड़ने के बाद नज़ारे खूबसूरत हो ही जाते हैं यार पहाड़ों के। तो चलिए अभी दोस्तों फटाफट से चलते हैं और ढूंढते हैं अपने लिए बढ़िया सी जगह जहाँ पर टेंट लगाएंगे। चलिए फाइनली दोस्तों हमें अपनी जगह मिल चुकी है। अभी हम ऊपर भी गए थे लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थी तो उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें ठीक ठाक लगा, देखो जगह भी बढ़िया है और झाड़ियाँ भी कम है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे अपना टेंट लगाते हैं क्योंकि बारिश भी आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए फाइनली दोस्तों अपना टेंट भी लग के रेडी हो चुका है। तो अब अपना बैग वगैरह रखते हैं अंदर।
फाइनली दोस्तों टेंट भी लग के रेडी हो चुका है और बैग वगैरह भी सारे सामान मैंने अंदर रख दिए हैं, क्योंकि पहले मौसम देखो तुम भाई साहब क्या ख़तरनाक हो रखा है। बारिश भी कभी भी आ सकती है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो चलिए सामान वगैरह अंदर रख लिया है, टेंट भी लग चुका है, बस अब देरी है खाना बनाने की। तो आज मैं पहले बनाऊँगा मैगी और उसके बाद थोड़ा सी चाय पीने के लिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। चलो दोस्तों मैगी भी बनके रेडी हो चुकी है, बस अब देरी है चाय बनाने की। तो जल्दी से चाय बनाते हैं और आज थोड़ी सी रुक रुक के जल रही है क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो रखी है ना उसके कारण। तो चलिए फटाफट से अपनी चाय बनाते हैं, उसके बाद खाएंगे इनको। यार आज आग जलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली हो रखी है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आग जलाने में, लेकिन हमने आग तो जला ली है। मैगी भी बन चुकी है और चाय बन के रेडी होने वाली है थोड़ी देर बाद। और साथ ही साथ आज का मौसम देखो यार क्या बढ़िया मौसम हो रखा है। तो चलिए दोस्तों बस थोड़ी देर बाद सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा, तो बढ़िया से आनंद लीजिए उस चीज़ का। चलिए दोस्तों ट्राई करके देखते हैं आज की मैगी। एक नंबर बनी है भाई, एक नंबर, मेहनत का फल है, एक नंबर तो हो गई। तो चलिए दोस्तों आज की कैंपिंग भी ख़त्म हो चुकी है और अब रात भी होने लगी है, तो अब जो हमने टेंट लगा रखा है उसको फोल्ड करेंगे फटाफट से, उसके बाद घर भी निकलते हैं क्योंकि हम जंगल में आ रखे हैं और यहाँ ख़तरा भी काफ़ी ज़्यादा है जंगली जानवरों का। तो फटाफट से करते हैं अपना टेंट पैकअप। चलो
तो अब हमारी डे कैंपिंग तो ख़त्म हो गई है। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ये जरूर करना गाइस। तो सूरज भाई आज के हमारे वीडियोग्राफर थे, तो ये मत समझना कि मैंने सोलो कैंपिंग करी है, मेरे साथ सूरज भाई थे जिन्होंने पूरे टेक लिए मेरे वीडियो के। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का सदस्य बन जाना। मेहनत बहुत की है इसके पीछे। यस गाइस, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है दोस्तों। ओके फिर बाय।